प्रदेश में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस को व्यापक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 5 लाख घरों वाले इस जनपद में 4,45,000 झंडे फहराने का लक्ष्य है। इसको लेकर स्वयं सहायक समूह की मदद से बड़े पैमाने पर झंडे का निर्माण अपने आखिरी पड़ाव में है। जिले के ब्लॉकों पर इन झंडों के बांटने और बिक्री का कार्य भी शुरू हो चुका है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि शासन के निर्देश पर घर घर तिरंगे के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 4,45,000 झंडों के फहराने का लक्ष्य है, जिसको लेकर 2,45,000 विभिन्न साइज के झंडों को स्वयं सहायक समूह के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है, जबकि 2 लाख झंडे उद्योग विभाग तैयार करा रहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा इस कार्यक्रम के तहत झंडा रोहण के साथ साथ देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी इन दिवसों में प्रस्तावित है। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और ये जो 75वें जो स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर जो हमारा कार्यक्रम है हर घर तिरंगा का, हर घर तिरंगा के तहत के कार्यक्रम के तहत हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि सभी घरों में झंडे फहराए जाए, और इसके लिए हम लोगों ने झंडे का निर्माण और उसके वितरण इत्यादि की व्यवस्था कराई है, और साथ में इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि झंडे को सम्मान पूर्वक फहराया जाए, उसका कहीं पर तिरस्कार ना हो, कहीं सबको उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। हम लोग को जो लक्ष्य मिला है वो लक्ष्य मिला है 4,45,000 का झंडे का, क्योंकि यहाँ लगभग 5 लाख परिवार है, तो इस हिसाब से हम लोग को इतना लक्ष्य मिला है सरकार की तरफ से, जिसमें 2,45,000 के झंडे जो है वो झंडे हम लोग ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार कराए हैं, और यह विभिन्न साइज में उपलब्ध है। ये इसको हम लोग जो वितरण करा रहे हैं वो PDS शॉप से करा रहे हैं, ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से करा रहे हैं, और ब्लॉकों में भी इसके सेंटर लगाए गए हैं, तथा 2 लाख के जो झंडे हैं वो उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, उसका भी विक्रय किया जाएगा, उसे भी कुछ नॉमिनल वैल्यू या कुछ नॉमिनल प्राइस लेकर उसको विक्रय किया जाएगा, और उसका जो राशि आएगी वो ग्राम पंचायत के फंड में रहेगी। आमतौर से जो 15 अगस्त को जो झंडे फहराए जाते थे, क्या इसमें कुछ तब्दीली आई है कि कब फहराना है कब नहीं? इस संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि इस बार का विशेष महोत्सव के रूप में है, तो इसके लिए झंडा एक्ट जो झंडा संहिता है उसमें परिवर्तन किया गया है, और यह परिवर्तन एक तो इस स्तर पर है कि निर्माण में जैसे पहले खादी की एक प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटाकर इसको अन्य जो मटेरियल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे उसमें पॉलिएस्टर है, कॉटन है, इस तरह की चीज़ों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लार्ज नंबर में लोगों को उपलब्ध कराया जाना है, तो एक तो निर्माण के स्तर पर है। दूसरा एक प्रतिबंध ये था कि जब भी हम लोग झंडा फहराते या झंडा रोहण करते थे तो शाम को उसको उतारते थे, तो इस बात की छूट दी गई है कि जो झंडे घरों में फहराए जाएंगे वो 11 से 17 के बीच में उसे रात्रि में उतरवाने की आवश्यकता नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा, 17 के बाद उतार। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।